हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर है हमारे रोहित भाई, जस्ट अभी अभी उठे हम, टाइम 9 बज गया, और वो है पीछे देवू भाई, और ये हमारे शुभम भाई, 10 बज गया, 9 बज गया और अभी तक सो रखा है। रात भर फोन में लगा था, पता नहीं क्या कर रहा था, व्हाट्सअप फेसबुक मतलब चलाने में था। तो इसकी रात भर हमने कंबल कुटान भी तगड़ी वाली कर रखी है। तो अब सीन ऐसा है, सीने भी बताऊंगा नहीं, आगे को चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज हम लंदन भी जाने वाले हैं। आज हम जाने वाले यहाँ पर, ये है हमारे तिवारी जी, इसका नाम मैं नहीं जानता, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से आया भाई, पनवार जी जी। और ये भाई है हमारे बहुत अच्छे, बिल्कुल हीरो, बाल इंटरनेशनल लेवल के भाई के, शुभम जोशी हल्द्वानी वाला। तो फ्रेंड्स, हम आए भी बाहर की ओर और यहाँ पर बहुत प्यारे बतख लग रहे हैं। ये मतलब यहाँ पानी का सीन है, तो पानी में आते रहते हैं, बहुत मस्त लग रहे हैं, अलग अलग कलर के, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं। और ये बंदे सब कर रहे हैं कोलगेट, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा सीन है। तो फ्रेंड्स, मैं भी हूँ हल्द्वानी गन्ना सेंटर पे, ये हमारे शुभम भाई, रोहित भाई, किसी ने नहाया नहीं है, साले कोई नहाते नहीं है, मतलब सॉरी, ये मतलब एक एक हफ्ते तक 10-10, 20-20 दिन तक नहीं नहाते हैं, तो इनने मेरे को भी ऐसी बना दिया। और मैं तो अभी नहाऊंगा धोऊंगा, फिर आगे को हम नाश्ता वास्ता करेंगे, ये यहाँ स्नान करने वाला है गोबर में, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। तो भाइयों, ये हमारा चौथा भाई देव सिंह नाम भी इतना खतरनाक रख दिया, देव सिंह। 5 सेकंड में नहा के आ गया, पता है हम अंदर थे, मैं अपना कोलगेट लेने अंदर गया और बाहर लेके आया तो उसने नहा दिया, पता नहीं यार इतनी जल्दी कैसे नहा सकता है कोई। और हमारे सामने तिवारी जी बड़े खुश दिख रहे हैं, बहुत अच्छा बंदा है। और अब हमारे शुभम जी, ये सुबह से हेयर बैंड लगा के घूम रहे हैं पागल की तरह, ये बिल्कुल पता नहीं अजीब सा बंदा है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो फिर अभी मैं आया, मैं था गन्ना सेंटर पर, तो गन्ना सेंटर से मैं कहाँ आ गया, पालम सिटी, मतलब जो मेन मार्केट है उधर की ओर आ गया, क्योंकि दीदी यहाँ थी तो फिर मुझे भी यहाँ आना पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं बस अभी आ रखा हूँ थोड़ी देर पहले, और मैं आपको पीछे की ओर दिखाता हूँ, एक मिनट। ये यहाँ पर मेन चौराहा है, देवल चौड़ चौराहा, ये है मेन। और अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगा यहाँ का बहुत व्यू, मतलब सामने का व्यू ना काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो वो दिखाता हूँ। और आज हमने वहाँ भी बहुत मस्ती की, पता है, मतलब रात को बहुत मस्ती की, उन्हें मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उस टाइप का, मतलब किसी के कंबल कुटान चल रही, किसी की कुछ चल रही है, मतलब बहुत मजा आया। तो फिर अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे से, बहुत अच्छा व्यू सामने का, पालम सिटी मतलब एक सेफ सोसाइटी है, तो दिखाता हूँ गाइस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है सामने का व्यू, सामने कितना प्यारा लग रहा है देखो, मतलब फील्ड पे कार बिल्कुल खतरनाक स्टाइल से खड़े हैं। और ये है पालम सिटी, मतलब पालम सिटी वाली जो मेन रोड है, ये पूरी यहाँ से ये गई, तो ये है उसका जो मेन बोर्ड। और ये मैं जो आपको बता रहा था देवल चौड़ चौराहा, यहाँ पर भीड़ रहती है, मतलब कितने तो एक्सीडेंट होते हैं, सुबह ही सुबह एक बाइक वाला गिरा यहाँ पर बड़े तगड़े स्टाइल में, मतलब यहाँ से जा रहा था वो, इस रोड पर आगे से किसी ट्रक से ठुक गया हो, मतलब खतरनाक एक्सीडेंट होते रहते, पता ही वह कोई दिक्कत नहीं है। और मौसम तो मतलब पॉल्यूशन बहुत हो रहा है उस साइड को, पता दिख ही नहीं रहा है, मतलब गंदा वाला पॉल्यूशन हो रहा है। और गाइस, तो फिर यही है सीन। और ये सामने नीलकंठ पैकर्स, मतलब शायद पानी की टंकी है। और मैं भी हूँ छत में आ रखा हूँ, यहाँ कपड़े वपड़े सुखा रखे हैं। और सामने यहाँ पर आएगा भी एकता विहार, यहाँ से आगे जाके बस थोड़ी दूर पर है एकता विहार कॉलोनी। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, मैं अभी अंदर की हूँ, मतलब कमरे के अंदर हूँ, तो हम अभी बाहर जा रहे हैं। और मैं आपको एक जो सबको अच्छा लगता है ऐसा सीन दिखाऊंगा, ड्रोन सूट, ड्रोन का सूट दिखाऊंगा हल्द्वानी सिटी का पूरा, तो कैसा आता है चलते हैं देखते हैं, आप भी देखो मजे करो, बहुत अच्छा आएगा सीन पूरी, वीडियो देखना और अच्छी लगे तो लाइक करना।
मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी मैं आ गया छत की ओर। मैं इसलिए आगे नीचे में वो हल्ला कर रहे थे जो भी ये है ना, वो शुभम रोहित ये सब लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे। मैंने बोला आराम से छत में जाते हैं फिर करते हैं ब्लॉगिंग। तो अभी मैंने आपको वो दिखाया क्या सीन, मतलब ड्रोन से अच्छा सा एक हल्ला निकाला पूरा एक साथ कैप्चर करके, एक हाइट से अच्छा लगता है, तो वो सीन दिखाया। तो फ्रेंड्स कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो फिर अब आगे को चलते हैं और दिखाते हैं अपना क्या करते हैं। अभी नीचे में जाता हूँ मैं, तो फिर चलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं हूँ यहीं हल्द्वानी में। तो फिर अभी का हमारा जो प्लान बना है ना, वो है वहाँ सनी मार्केट जाने का। तो फिर वहाँ थोड़ी बहुत कुछ मिलेगा तो इंटरेस्टिंग, लेकिन जाते हैं और देखते हैं, मज़ा करते हैं वहाँ कैसा होता है। भीड़ भी बहुत होती है वहाँ और वहाँ की वीडियो बहुत कम बनाएंगे, क्योंकि हम पहले भी गए थे तो वहाँ क्या होता है ना, चोर वोर मतलब घूमते रहते, तो फ़ोन भी चोरी कर लेते, तो कोई तो हाथ से फोन छीन के भाग जाता है। तो फिर हम उसका मतलब को केयर फूल रहना पड़ेगा। तो फिर अभी चलते हैं और तो आपको भी थोड़ा बहुत सीन दिखाऊंगा वहाँ का, और फिर बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक दिन तो फिर हम जाएंगे हाँ हल्द्वानी की सॉरी अनवाला की ओर। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टाइम। गाइज मैं आया था अभी सनी बाजार, वहाँ का सीन नहीं दिखा, बहुत भीड़ थी बहुत ज़्यादा और फ़ोन भी चोरी कर रहे थे, कैमरे चोरी कर दे रहे थे, तभी वहाँ का सीन नहीं दिखाया। मैं तो अभी हूँ बहुत ज़्यादा मतलब जैम लग रखा है बड़ा तगड़ा वाला, आवाज़ मेरी बहुत आवाज़ साफ नहीं आएगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है सीन, मतलब पूरा जाम ही जाम लगा है। तो अभी वो पीछे से आ रहे हैं, ऑटो पाएंगे हम जाएंगे स्कूटी पे, पता नहीं मैंने तो वहाँ को लगा दी, किसी ने उल्टे करके लगा दी। चलो कोई नहीं, लेकिन मैंने तो हैंडल लॉक किया था, पीछे लगा है जाम बहुत तगड़ा वाला है। और क्या बताया फिर भाई, नाम क्या है तेरा? गौरव जोशी, हल्द्वानी में रहता है बंदा। तो ये है गाइस रात का सीन, देवल चौड़ा है, पहुंच गए हैं हमारे घर, यहीं पे ही है नजदीक पे ही। रात को यहाँ बहुत काफी भीड़ रहती है। तो गाइज हम समोसा चौमिन खा के आ गए, अभी हम देवल चौड़ चौराहे पे, तो यहाँ पर पार करना है, अभी सामने गाड़ी गाड़ी को बड़ा देख के पार करना पड़ेगा। वेट वेट आजा भाई आजा, क्यों टेंशन ले रहा। तो गाइस हम पहुंच चुके पालम सिटी में, मेरे पीछे पालम सिटी, ये सामने बोर्ड लगा है एंड वेल। अब जाते हैं घर की ओर अंदर और मजे करते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड। प्लीज़ ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।